नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये हो गया चिवड़ा और ये हो गया चना और ये हो गया निमकी का मिर्चा और ये नमक। तो जिन लोगों को पेट में गैस बनता हो उन लोगों को चिवड़ा में ये वाला चना मिला करके खाने से पेट की गैस्ट्रिक की बीमारी की अंत होती है। वो भी छोटा वाला चना होना चाहिए और जो है चना खाने से ये होता है कि पेट की गैस की बीमारी नहीं होती है। और ये चिवड़ा भी खा सकते हैं, लेकिन चिवड़ा को कैसे भूनना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए कि कढ़ाही में थोड़ा सा तेल डाल देना चाहिए, सोयाबीन का हो तो और अच्छा है, और एक प्याज काट करके डाल दीजिए और उसके बाद में इस चिवड़ा को डाल दीजिए और उसको खूब चलाइए, जैसे कि जो हम बना करके लाए हैं। उसके बाद में ये चना जो है, चना भी डाल सकते हैं और चना डाल करके उसको अच्छी तरह से बना करके उसको अगर आप लोग खाएंगे तो गैस की शिकायत जो है वो नहीं होगी। ज़्यादा नहीं खाना है, इतना सा एक एक मुट्ठा दोनों में से लेकर के खाना है। और एक जो है ये मिर्ची ये थी में गलाए हैं, क्या नाम है कि नींबू में उसको गला करके रखे हैं और एक नींबू का ये खाना है। पेट की गैस की अंत हो जाएगी, कभी भी बीमारी पेट की नहीं होगी और ये जो है सेहत भी सही रहेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।